देश का किसान आज भी कई मुसीबतों से लड़ता है ताकि उसकी फसल को नुकसान न पहुंचे। कभी बेमौसम बारिश तो कभी सूखे की वजह से भी किसानों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। खास तौर पर जो गरीब वर्ग के किसान हैं, उन्हें आर्थिक रूप से कई दिक्कतें होती हैं। इसीलिए राज्य और भारत सरकार दोनों ही कई तरह की योजनाओं के जरिए किसानों की मदद करते हैं। जैसे केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को चलाती है, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए का लाभ दिया जाता है और इस पैसे को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की 3 किश्तों में दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक परिवार के कितने सदस्य योजना का लाभ ले सकते हैं? अगर नहीं तो आइए आपको भी बताते हैं। दरअसल पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक पात्र किसानों को 17 किस्त का लाभ मिल चुका है। ऐसे में अब अगली बारी 18वीं किस्त की है, जिसका आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अगर नियम की माने तो हर किस्त 4 महीने में जारी होती है। ऐसे में जहां 17वीं किस्त 18 जून 2024 को जारी हुई थी, तो वही 18वीं किस्त अक्टूबर माह में जारी हो सकती है। जब आप इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ते हैं तो किस्त का लाभ लेने के लिए आपको कुछ काम करवाने होते हैं। इसमें मुख्यतः 3 काम होते हैं। पहली ई-केवाईसी, दूसरा भू सत्यापन और तीसरा आधार को बैंक खाते से लिंक करवाना होता है। जो किसान ये काम करवा लेते हैं उन्हें किस्त का लाभ मिल पाता है। अगर आप भी योजना से जुड़े हैं और आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आप नजदीकी CST सेंटर जाकर या योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in से इस काम को करवा सकते हैं। वहीं आधार कार्ड को आप अपने बैंक की ब्रांच में जाकर लिंक करवा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि योजना के अंतर्गत एक परिवार के केवल एक ही सदस्य को इसका लाभ मिलता है। अगर एक से ज्यादा सदस्य पीएम किसान योजना में आवेदन करते हैं तो उनका आवेदन रद्द हो जाता है। इसके लिए ये भी जरूरी होता है कि आवेदनकर्ता के नाम पर खेती योग्य जमीन हो। लाभार्थी को योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी और जमीन का वेरिफिकेशन करवाना होगा। यह दोनों काम करवाना अनिवार्य है। दरअसल कई किसानों के पास जमीन नहीं थी पर फिर भी वे योजना का लाभ उठा रहे थे। ऐसे में सरकार ने यह नियम जारी किया। वेरिफिकेशन के बाद जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट हो जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।